गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और हम लोग बिल्कुल नींद से जाग गए हैं। नींद से जागे नहीं, सवा पाँच हो गए। अब 5:20 हो गया है अभी और हम लोग निकल रहे हैं मम्मा को लेने के लिए। चलिए चलते हैं। इतना अंधेरे है कि हमारा फेस तक नहीं दिख रहा है। हाँ, अब दिख रहा लाइट में। तो हम घर से निकल रहे हैं गाइस, बस आने ही वाली होगी मम्मी की बस और हमें टाइम से पहुंचना है। लीजिए हम पहुंच गए हैं और बैठे हैं और वहां पीछे से आएगी बस। नींद आ रही है दीदी? यारी नींद से उठे ना, 12:30 तो बज ही गया था सोते सोते और फिर चिंता भी थी। चिंता में क्या, नींद खुलती मेरी पता है रात में एक बार नींद खुली थी तो 3:34 हो रहा था। नींद खुलती रहती है ना, मुझे लगा कि यार कहीं अलार्म बज के तो नहीं वो बंद हो गया और हम लोग पहुंच ही ना पाए टाइम पर। तो देखा कि नहीं अभी तो टाइम है और मैं एकदम पास में रखे थे मोबाइल के, जैसे फर्स्ट रिंग जल्दी से आई। तो आप मेरे से पहले ही, आप तो लेकिन मेरे से पहले ही उठ गए थे यार। कैसे उठ गई थी ना, अलार्म पहले का लगाए थे क्या? नहीं, 5 बजे का लगाई थी। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप उठ के गई हैं और उसके बाद मेरी नींद खुली। आपको उठाई हूँ पहले? हाँ, मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैं सोची कि मैं आती हूँ जल्दी से नीचे से ब्रश व्रश करके फिर आके फिर उठाती हूँ आपको। उठते हैं तब। मैं ब्रश कर रही थी जब आप उठ गए थे, है ना? आप नीचे गए हैं और मेरी अचानक से नींद खुली। 10 मिनट के बाद आ गए आप। 5 मिनट के बाद? 5:05 पे मैं आ गया। चलिए तो मम्मी को ले लेते हैं और फिर चलते हैं घर, देखते हैं बस और कितना टाइम लगाती है। वी आर नॉट लेट, वी आर ऑन टाइम। पहले इतनी समय आप ट्रेन से मुझे लेने आते थे, मतलब ट्रेन से लेने नहीं आते थे, मैं ट्रेन में, मैं गाड़ी से आता था लेने के लिए, आप ट्रेन से आते। क्योंकि पीछे हमारे है हबीबगंज स्टेशन, इधर साइड में है हबीबगंज स्टेशन इधर, तो बहुत ये भी दिल के करीब है। भोपाल शहर नहीं है ये, हमारे प्यार की दास्ता लिखने वाला है। हम पहली बार मिले भी यही थे। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि भोपाल शहर नहीं, ये वो जगह है जहाँ से हमारे प्यार की शुरुआत हुई। तो ये बहुत स्पेशल है, मतलब वो एक अलग ही फीलिंग है, एक अलग ही अटैचमेंट, एक अलग ही लगाव है पूरे शहर से।
इसीलिए तो हम यहाँ बस ही गए. Yes. दो जगह, दो अलग अलग जगह के लोग भोपाल में आके मिले और यही बस गए. ठंडी है यार बाहर. बाहर ठंडी है. लग रही तो पैक होना बिल्कुल. कितना टाइम लगेगी बस? फास्ट आओ फास्ट. सो हम लोग घर आ चुके हैं गाइस और मम्मी भी आ गई हैं अच्छे से. बस अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ी देर सो लेते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर में और फिर मिलवाते हैं मम्मी को भी. ओके सो गाइस मैं आ चुका हूँ घर. अभी मैं मार्केट चला गया था और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मम्मी आ गई हैं घर और हम लोग रेस्ट भी कर लिए थे अच्छे से. हमारा लंच भी हो गया था और मुझे कुछ काम से जाना था मार्केट तो मैं चला गया था. अभी मैं जस्ट आया हूँ तो चलिए आप लोगों को मिलवाते हैं मम्मी से काफ़ी दिनों के बाद. ये है मम्मी. मम्मी आपको बहुत लोगों ने मिस किए और या प्रिया पूजा करती थी घंटी की आवाज़ आती थी तो लोग मतलब मैसेज आता था, ऐसा कमेंट आता था कि ऐसा लग रहा है जैसे आंटी आ गई. क्या हो रहा है भाई? कब क्यों बिछड़े, कब क्यों बिछड़े हैं हम आज यहाँ आके मिले ना. इन लोगों की बात तो है जो कि चलते ही रहेगी. और आज तो मेरा पूरा दिन बाहर ही बाहर चला गया यार. आज अब बहुत बिजी रहे हमारा ब्लॉग भी क्या करूँ गाइस. सच में इतना काम था, इतना काम था आज पूरा. मैं बाहर का बाहर ही रह गया और मम्मी भी आई थी तो उनको भी मैं टाइम नहीं दे पाया ज्यादा. अभी जस्ट आया हूँ और अभी फिर मुझे थोड़ी देर बाद फिर जाना है, फिर से जाना है. इसीलिए हम इस व्लॉग को रखते हैं बस यहीं तक. लेकिन हम रात में व्लॉग जरूर बनाएंगे तो वो व्लॉग डलेगा कल मॉर्निंग में तो उसे आप देखना जरूर देखिएगा. और बहुत सारा प्यार दीजिएगा गाइस, प्यार देने में कमी नहीं कीजिएगा. हाँ. एक और चैनल है हमारा स्टे गॉर्जियस द प्रियाज मेकओवर, उसमें भी ढेर सारा प्यार दीजिए. बहुत जल्दी उसमें भी आपको वीडियोज मिलेंगी. कैसी वीडियोज मिलेंगी एक बार बता दीजिए आप. मेकअप से रिलेटेड, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगी. और ये चैनल पे तो हमारे डेली व्लॉग्स आते रहेंगे और आगे चल के और भी धमाकेदार व्लॉग्स मिलने वाले हैं गाइस आप लोगों को. तो बस ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हमारा कोई न्यू वीडियो आए आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए. एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव. बस ढेर सारा प्यार बनाए रखिए. तो चलिए मिलते हैं फिर एक और न्यू ब्लॉग के साथ बहुत जल्दी. तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय.